हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं उस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। वादे के मुताबिक तब मैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ आपके हाजिर है, नया अपडेट है। एम जगदीश कुमार ने कहा है कि जो UGC का नया नियम है, नया गाइडलाइन है 2024, उसके बारे को लेकर मैं लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। उसी बात के लेकर मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है, क्या क्या तर दिया है उठते सवालों के बीच। UGC नेट PhD का जो गाइडलाइन है 2024 का, उस पर काफ़ी देशभर में चर्चा हो रहा है और उसका प्रसिद्ध सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि एक एडमिशन भी कई सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि JNU जो टीचर एसोसिएशन है, उसने भी इस पर लेकर कई सवाल उठाए हैं। अब फिलहाल में अदर्स यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट और टीचर इस पर लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे माहौल में UGC के चेयरमैन ने एक अपना तर्क दिया है इसको लेकर कि कितना बेनिफिशियल है, कितना स्टूडेंट फेवरेबल है और कितना हायर एजुकेशन PhD के लिए ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या लिखा है, क्या बताया है, उसी के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद उनके कहे हुए वक्तव्यों के आधार पर उसका विश्लेषण भी करेंगे। लास्ट में विश्लेषण करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है और कितना तर्कसंगत है, कितना सही है, कितना गलत है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातों को रखेंगे। उसके बाद आपका फैसला लेना है कि क्या निर्णय लेना है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि JNU के स्टूडेंट यूनियन ने भी इसका विरोध किया है कि इस नियम को ख़त्म किया जाए, टीचर ने भी किया है। तो चलिए चलते हैं। और इन्होंने जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है एडिटोरियल एक, उस पर उसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो देखिए 8 मई का ही ये नोटिफिकेशन है, ये जो आर्टिकल है 8 मई का ही है, आज ही के दिन का है ये। इसमें लिखा हुआ है, पहले ही हेडलाइन ही है, देख लीजिए। सम एकेडमिक्स आर गेटिंग इट रॉन्ग, न्यू PhD गाइडलाइन विल मेक लाइफ इजियर फॉर स्कॉलर। जो नया जो गाइडलाइन है वो स्कॉलर का लाइफ है, जीवन है, उसको बेहतर बना देगा। और जो एकेडमिशियन है इसके, जो वो रंग में गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत उनका डायरेक्शन है, इनका कहना ये है। और इन्होंने इस पे क्या क्या तर्क दिया है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, द गुड डॉक्टर है, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा ये इस नए नियम के अनुसार। तो देखिए, पहले शुरुआत किया है, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, बता देता हूँ, मैंने हूबहू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो इनका क्या कहना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इन्होंने लिखा है, इन इंडिया इन एनी मेनी ऑफ द कंट्री ए सिग्निफिकेंट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट परसू अंडर ग्रेजुएट डिग्री 78% विथ ए स्मॉलर प्रोपोर्शन कंटिन्यू टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी 11% allowing the direct entry into PhD program for undergraduate student taps into this larger talent pool that can engage in doctoral research and align with the goal of NAPA। तो इनका कहना है कि जो ये रूल है, नया नियम है, वो स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो ये NPA के तहत किया गया है और इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि देश भर में अदर्स इन कंट्री में यहाँ पे 78% जो है वही बैचलर करते हैं, बैचलर डिग्री लेते पाते हैं, स्नातक करते हैं और PG तक आते आते, मास्टर आते आते, PG तक आते आते, पोस्ट ग्रेजुएट करते करते 11% ही बच पाते हैं। ऐसे में अगर इसका डायरेक्ट एडमिशन होगा उसका PhD में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फ़ायदा होगा, एक पुल बनाएगा, हायर एजुकेशन में से इसकी बढ़ावा मिलेगी। इसे इनका कहना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होगा, सीधे प्रवेश की अनुमति देने से इस बड़े प्रतिभा पुल का लाभ मिल सकता है, जो डॉक्टर अनुसंधान में संलग्न हो सकता है, जो NPA के लक्ष्यों को रेखांकित करता है, जो NPA का ही लक्ष्य है। आगे क्या लिखते हैं, तो देखिए आगे भी लिखे हैं, जो कि आपको जानकारी होगा कि पहले ही मैंने बताया था
कि जो नया रूल है आया है उसमें अब बैचलर 4 ईयर का जो बैचलर है तो उसके लिए दिया गया है कि 4 ईयर जो बैचलर है वो डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन ले सकता है पीएचडी में। तो उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा है, उसी के बारे में बताया है यहाँ पर, पूरा उनका यही लिखा हुआ है। मैं इसका बता देता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं कि भारत में लिखा है द 4 ईयर बैचलर डिग्री एडॉप्टेड बाई द 100 ऑफ द यूनिवर्सिटी क्रॉस द इंडिया। इनको कहना है कि भारत भर में सैकड़ों विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे के आधार पर अपनाई गई 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री शोध विद्यार्थियों के लिए क्रिटिकल विश्लेषणात्मक कौशल में कठोर परिश्रम प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो छात्रों के उनके शैक्षणिक और जो इंटरनल जो है उसके जांच के लिए तैयार करके बनाया गया है। इसके अलावा स्नातक अध्ययन के अंतिम जो साल है जिसके लिखा हुआ है, अंतिम वर्ष में आपको यहाँ पर डिजर्टेशन करना होगा और शोध परियोजना होगा और इंटर्नशिप करना होगा और रिसर्च से रिलेटेड रहेगा आपको। बहुत यहाँ पे फ्लेक्सिबल है आपके लिए, लचीलापन है, जिससे आपको एक बेहतर नॉलेज मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में बैचलर डिग्री में, जो आपको एक बेहतर एजुकेशन मिलेगा जिससे आपको इन फ्यूचर यानी कि डॉक्टर करने के प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी, अच्छे से आप पीएचडी कर सकते हैं। इसमें यही लिखे हैं इन्होंने, ये तर्क दिया है और आगे लिखा यही कि यूजीसी के जो ये नीति है, यूजीसी का जो ये रूल है ये बहुत फायदेमंद होने वाला है, यही उन्होंने बताया है कि इससे यूजीसी के रूल से बहुत केवल पीएचडी प्रवेश नहीं कई देश में विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित न करनी पड़े। इसके बजाय यही लिखा है इन्होंने, द यूजीसी न्यू पॉलिसी ऑल्सो अलाउ द स्टूडेंट टू परसू पीएचडी इन द सब्जेक्ट ऑफ द अदर चॉइस रिस्पेक्टिवली, दिया है यहाँ पे कि अदर चॉइस उसके पास अवेलेबल है, यही है। आगे लिख रहे हैं कि देख लीजिए कि यूजीसी कंडक्ट बाई द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2 ईयर, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नोट के नेट के एग्जाम साल में 2 बार कराती है, यही कह रहा है, जिसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको प्रदान किया जाता है एलिजिबिलिटी के अनुसार, वो भी मिलेगा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, वो पास ओनली द मास्टर डिग्री, ये हो गया। हालांकि जून 2024 सेशन के लिए जो है, जून 2024 सेशन की घोषणा के बाद आप शिक्षाविदों द्वारा पीएचडी कार्यक्रम में 4 वर्षीय डिग्री धारकों को प्रवेश दे दिया जाएगा, यहाँ पे प्रवेश मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में। यूजीसी प्रोवाइड द ऑप्शनल, यही दिया है, और जिससे आपको मैंने एक तरह से इन्होंने इसके फायदे के बारे में बताया है कि कितना इससे फायदा है। आगे इन्होंने बताया है कि देखिए, नो डिल्यूजन ऑफ पीएचडी स्टैंडर्ड, इससे जिखल आपको देख ले हैं, इसका मतलब यही हुआ कि इससे पीएचडी मानकों में कोई कमी नहीं, जो पीएचडी का स्टैंडर्ड है उसमें कोई कमी नहीं आएगा और स्टैंडर्ड में कोई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगा। इसमें लिखा है, आफ्टर अनाउंसमिंग यूजीसी ने जून में 2024 के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दिया है, अनाउंस कर दिया है पीएचडी कार्यक्रम के लिए कि 4 वर्षीय स्नातक धारकों को आपको पीएचडी में प्रवेश मिलेगा, इससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ पीएचडी एडमिशन होने से, और इनको जो स्टैंडर्ड से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। द डिसीजन बाय यूजीसी टू मेक 4 ईयर बैचलर डिग्री होल्डर्स एलिजिबल टू राइट द यूजीसी नेट फॉर एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम इन सिमिलर कंट्री एंड द एक्सिस्टिंग ऑफ द एम ऑफ द रिकॉग्नाइज अचीवमेंट ऑफ द एजुकेशन बैकग्राउंड, ये लिख दिया गया है यहाँ पे। देख लीजिए, ऑल्सो द इसेंशियल द टू रीइटरेट द स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू कम्प्लीटली ए 4 ईयर बैचलर, 4 साल का बैचलर है आपका, और 75 मिनिमम 75% आपको मार्क्स इन ये ग्रेड लाना होगा इक्विवेलेंट ग्रेड में, तो एलिजिबल हो जाएंगे। द क्राइटेरिया स्पेशली इन द नवंबर 2022 में पीएचडी रेगुलेशन ए फॉर्म द इंटीग्रिटी ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम, देयर फॉर ऑब्जेक्शन टू द एंट्री ऑफ द 4 ईयर बैचलर डिग्री होल्डर इन पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द कंसर्न अबाउट डिल्यूजन ऑफ द क्वालिटी अनफाउंडेड मास्टर डिग्री जो होल्डर है, तो ये इन्होंने दिया है कि ये बहुत एक बार अच्छा कदम है पीएचडी कराने के लिए, यूजीसी का जो रूल है और इसके जो लिखे हैं अवार्ड कराने के लिए 2022 का जो नियम है उनके अनुसार होगा और उसके किस तरह से फायदेमंद होगा यही बताए हैं। रिड्यूसिंग द एस्पिरेंट वार्डन जो है, जो इसको जो स्टडी कर रहे हैं, ये जो पीएचडी कर रहे हैं करेंगे उनके कई तरह के वार्डन को उनसे जो जो बोझ है उनपे से कम होगा, इससे उम्मीदवारों का जो
कई तरह का बर्डन होता है, उससे बोझ होता है उन पे, कई तरह का टेंशन होते हैं, उससे उनको छुटकारा मिलेगा, यही कहना चाह है। इन्होंने लिखा भी है साथ कि करंटली वर्तमान में छात्रों को अक्सर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित कई पीएचडी प्रवेश परीक्षा में शामिल होना पड़ता है, जिसमें से प्रत्येक का अपना पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न होता है। छात्रों को कई परीक्षाओं से गुजरने के कारण काफ़ी वित्तीय बोझ होता है। आपको बहुत लाभ होता है, कई जगह एग्जाम जाकर देते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियल परेशानी होती है और ट्रेवलिंग करता है करना पड़ता है, वहाँ कहीं कई बार एग्जाम देना पड़ता है एक ही चीज़ के लिए। अब एक ही से उस तरह से नहीं होगा और तनाव और चिंता भी बनी रहती है। इसे कम करने के लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालय से पीएचडी प्रवेश के लिए यूजीसी नेट स्कोर का प्रयोग करने का अनुरोध किया। यदि ऐसा वे करते हैं तो छात्र साल में 2 बार आयोजित होने वाली परीक्षा से इसमें जा सकते हैं। यही बुरा है, रिड्यूस द एस्पिरेंट वर्डन जो होगा उनका हो जाएगा कम। ये इसमें यही कहना चाहते हैं, ये है। आगे क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे जो भी होगा। रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी मस्ट बी इंश्योर द आवर स्टूडेंट हैव डी डिजर्व द ऑप्शनल दे दिया है। तो यही से बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद है और जो 4 ईयर्स का बैचलर है वो भी रहेगा, जिससे क्वालिटी में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो यूजीसी का चेयरमैन है और जेएनयू का भी रहे हैं, ये वाइस चांसलर भी रहे हैं जेएनयू का, तो यही कहना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो इनका जो पहला पॉइंट है, अगर इसको भी अगर सही से देखा जाए, पहला पॉइंट इन्होंने क्या दिया है, जो एक जो पॉइंट दिया है यहाँ पे कि आपको 78% ही आपको बैचलर डिग्री जाते हैं ए लेवल में परसेंट, तो क्या अगर 4 ईयर्स का हो जाएगा तो 78 से ही रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे स्टूडेंट, और 11% इसको जो हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए यूजीसी ने कोई ऐसा रूल नहीं बनाया कि उनको अगर फेलोशिप दिया जाए और सपोर्ट किया जाए इकोनॉमिकली तो और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लेकिन नियम कानून बनाकर इसको और ज़्यादा इसको संकुचित किया जाता है। इसी तरह से बर्डन कम कैसे होगा, बर्डन तो और बढ़ जाएगा इन स्टूडेंट को। तो कई इस तरह के पॉइंट है जिससे स्टूडेंट को और परेशानी होगी। मेरे अनुसार लग रहा है कि बर्डन कम नहीं होगा, एक साल का बर्डन है उसे क्या हो जाएगा, और जो भी सब्जेक्ट पे जो जिस तरह से स्टूडेंट को पकड़ होना चाहिए उस तरह से ही नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि मैं देखा हूँ कि जो JRF निकाल लेता है उसको भी इस रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में सही से जानकारी नहीं होता है, क्योंकि जो ये UGC का जो पैटर्न है सिर्फ रट्टा मार पैटर्न है और MCQ में येस और नो में क्वेश्चन जवाब देना पड़ता है, जिससे एनालिटिकल एनालिसिस जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है। अगर ऐसे स्टूडेंट को कह दिया जाए कि 5 पेज लिखना है तो नहीं लिख पाएंगे, और रिसर्च में आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरह का अपडेट है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप बताइएगा जरूर। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अगर नहीं अच्छा लगा, इसमें आपको क्या कमी है इनकी बातों से, कितने सहमत है नहीं है, वो बात आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और बताइए कि हमको अच्छा लगा, ताकि इससे कंटिन्यू करें। अगर नहीं बताइएगा तो 1-2 वीडियो बनाकर मैं बंद भी कर सकता हूँ इस इशू को नेट के एग्ज़ाम तक, उसके बाद ही इसको लेकर मैं कोई बातें करूँगा। अगर अच्छा लगा हो तो, यहाँ तक देखे हैं तो अच्छा लगा है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज़।